अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं चॉकलेट कोटेड खजूर की रेसिपी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, खजूर। वैसे तो मटजूल खजूर सबसे बेस्ट होती है इस चीज़ के लिए, पर मुझे वो मिली नहीं तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल खजूर इस्तेमाल की है। मैंने खजूर को अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था और कुटली निकाल ली थी। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कंडेंस्ड मिल्क, 2 टेबल स्पून मैंने नीडो मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का लिया है, और बादाम। जितने आपको खजूर बनाने हैं उस हिसाब से आपको बादाम भी चाहिए होंगे। सो ये चीज़ें हमें चाहिए फिलिंग के लिए। सो अभी हम एक बाउल में कंडेंस्ड मिल्क, डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये फिर उस तरह करने से ये थोड़ा और हार्ड हो जाएगा और फिलिंग करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी है तो आप उसमें कोकोनट और मिल्क पाउडर और डाल सकते हैं। उसको बहुत लिक्विड नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि उसकी फिलिंग करने में आसानी रहे। और जो कोटिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे लिए है वाइट चॉकलेट, नॉर्मल ब्राउन चॉकलेट। ये मैंने दोनों मिल्क चॉकलेट लिए हैं, आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम गार्निशिंग के लिए यहाँ पे बादाम का पाउडर भी मैंने रखा हुआ है। मैंने बादाम को ग्राइंड करके रख लिया था थोड़ा सा। ये किशमिश, कोकोनट और पिस्ताशियोस को भी ग्राइंड करके रख लिया था। ये चीज़ें चाहिए हमें टॉपिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। सो यहाँ पे देखें मैंने खजूर में सारी फिलिंग कर ली है और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक कर रही हूँ। हमने जो मिक्सचर बनाया था कोकोनट, कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर का, वो हमने खजूर में ऐसे फिल किया है और अब उसमें हम एक बादाम ऐसे डाल के इसको अच्छे से जोड़ देंगे। इस तरह बाकी सारी मैंने करके रख ली हैं। अब हमने चॉकलेट्स को मेल्ट कर लिया है। आप डबल बॉयलर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। सो यहाँ पे देखें हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम एक खजूर लेंगे, उसको इस चॉकलेट में डिप करेंगे और जब ये डिप हो जाएगी तो हम इसको एक ग्रीस प्रूफ पेपर पे रखते जाएंगे। ग्रीस प्रूफ पेपर पे रखने से ये होगा कि जब हमको इसको रिमूव करना होगा तो ये वो आसानी से निकल आएगी। सो यहाँ पे देखें मैं खजूर को चॉकलेट में डिप करके ऐसे रखती जा रही हूँ, और जब ये सारा डन हो जाएगा तो हमने फिर से खजूर को फ्रिज में रख देना है ताकि ये चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपीज या वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले पहुँचेगी। यहाँ पे देखें मैं वाइट चॉकलेट में भी इसको डिप कर रही हूँ। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए। सो यहाँ पे मैंने सारे खजूर को चॉकलेट कोट कर दिया है। उसके बाद मैंने ये इसके ऊपर गार्निशिंग भी कर दी है पिस्ताशियोस की, कोकोनट की, और ये हमारे खजूर रेडी हैं। आप इसको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।